रायगढ़ से एनएसएस के बच्चे पहुंचे। इन बच्चों ने गार्बेज कैफे पूरे प्रदेश में खोलने की मांग की है। गार्बेज कैफे मिकापुर में खोला गया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। गार्बेज कैफे पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, जहां पे प्लास्टिक के कचरे ले जाने के बाद आपको खाना और नाश्ता मुफ्त में मिलता है। एनएसएस के कुछ स्टूडेंट्स रायगढ़ से आए हुए हैं और इसी मसले पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? सर, हम चाहते हैं कि जो अंबिकापुर में कार्य योजना चल रही है, हाँ, उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि प्लास्टिक का जो प्रदूषण है, जिससे मनुष्य प्रभावित हो रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ प्रभावित हो रहा है, उसमें सुधार हो, मनुष्य के स्वास्थ्य में सुधार हो और छत्तीसगढ़ स्वच्छ बन सके। तो ये जो गार्बेज कैफे अलग अलग जगहों पे खुलेगा, तो आप लोगों का और इसमें भी कुछ सजेशन है कि कौन चलाए, कैसे चले? ये प्रशासन ही चलाए, लेकिन मतलब इससे प्लास्टिक कम हो, यही हमारा उद्देश्य है, पॉल्यूशन कम हो। तो पॉल्यूशन कम हो, प्लास्टिक कम हो। प्लास्टिक को डिस्पोज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज की युवा पीढ़ी, कम से कम संतोष की बात यह है कि इस बात को बखूबी चल रही है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर रायगढ़ से ये लोग चल करके आए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि गार्बेज कैफे की तर्ज पर पूरे प्रदेश में कैफे खोले जाएं और उन कैफे में प्लास्टिक जमा करने पर भोजन दिया जाए, ताकि पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। महत्वपूर्ण चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में सड़कों में बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, तो प्लास्टिक इकट्ठा करके उसका क्या होगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए कोई सवाल नहीं है। तो अब देखना यह है कि सरकार जो इनका सुझाव है, इनकी जो मांग है, उसको पूरा करती है या फिर उस पर विचार करती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ रायपुर से रूपेश अंबिक।